गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आज फेलियर टू सक्सेस, सफलता असफलता से सफलता की ओर, ये हमारा चैप्टर रहेगा। तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक के बारे में, सफलता के विषय में बताना चाहूँगा। सफलता है क्या? लोग, हर व्यक्ति मेहनत करते हैं और सफल होना चाहते हैं। कोई व्यक्ति चाहते हैं हमें एक अच्छी गुड जॉब मिले, अच्छी पदवी मिले, कोई एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, कोई स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं, कोई लीडर बनना चाहते हैं, कोई हीरो हीरोइन, और कोई इस विश्व में नेम एंड फेम को अपना सफलता का सूचक समझते हैं, और कुछ व्यक्ति सेटिस्फैक्शन एंड पीस ऑफ लाइफ उनका सफलता का मेन मुद्दा है। तो सफलता मैन टू मैन डिपेंड करती है। सफलता एक एहसास है। हर व्यक्ति अपने की सोच के मुताबिक हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। सफलता प्रोग्रेसिव इन नेचर है, नेवर एंडिंग है। इसका कोई एक मंजिल प्राप्त हो जाती है तो दूसरी की इच्छा होती है। इस तरह एक गोल अचीव किया तो ये कभी नेवर एंडिंग होती है। तो इसको हम समझे कि सफलता किसे कहते हैं। कोई आदमी अपार धन संपत्ति इकट्ठा करना चाहता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा मेरे पास संपत्ति हो। कोई मोक्ष की ओर अपनी सफलता समझता है, इत्यादि इत्यादि। तो ये एक सफलता का मीनिंग हम समझते हैं। तो अब मैं आपको असफलता और सफलता के विषय में विचार रखूंगा। एक अमेरिका के एक व्यक्ति, 6 फुट 4 इंच लंबे, थोड़े से देखने में कुरूप की कहानी मैं आपके सामने रखूंगा। और जब मैंने इसकी कहानी के विषय में, कहानी क्या, ये एक हकीकत है। तो ये एक बहुत ही निर्धन परिवार से संबंध रखते थे और इनको खाने तक के लाले पड़े हुए थे। घर में व्यवस्था की सुविधाएं नहीं थी तो भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक दिन शिखर बुलंदियों पर पहुंचे। तो इनको जब धीरे धीरे इन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की, सेल्फ स्टडी शुरू की, तो उसमें भी कठिनाइयां आई। तो इन्होंने क्या किया कि घर में लाइट की व्यवस्था नहीं थी तो वे स्ट्रीट लाइट में पढ़ना शुरू किया। और धीरे धीरे जब 21 वर्ष की आयु के हुए तो इन्होंने सोचा कुछ व्यापार में धन कमाया जाए। लेकिन व्यापार में घाटा हुआ, असफल रहे। 22 वर्ष के जब ये हुए तो इन्होंने एक चुनाव लड़ा, चुनाव में भी हार हुई। 24 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते इन्होंने फिर व्यापार में हाथ डाला, वहां भी इनको सफलता नहीं मिली। 26 वर्ष की आयु में इनका पत्नी का देहांत हो गया और ये मानसिक संतुलन इनका बिगड़ गया। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, फिर दोबारा खड़े हुए और 34 वर्ष की आयु में इन्होंने फिर एक कांग्रेस का चुनाव, अमेरिका में कांग्रेस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा होती हैं, तो इन्होंने कांग्रेस का चुनाव लड़ा। लेकिन उसमें भी हार ही इनके से आई। 45 वर्ष की आयु पहुँचते पहुँचते इन्होंने फिर सीनेट का चुनाव लड़ा लेकिन सफल नहीं हुए। 47 वर्ष की जब आयु हुई तो इन्होंने उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा लेकिन वहाँ भी बात नहीं बनी। और जब ये 49 वर्ष के हुए तो फिर सीनेट का चुनाव लिया लेकिन वहाँ फिर हार हुई। जब 52 वर्ष की आयु हुई तो ये इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और वहाँ ये सक्सेस हुए, सफल हुए। तो इनको क्या हम असफल कहेंगे? नहीं ना, क्योंकि इतनी असफलताओं के बाद इन्होंने हार नहीं मानी और दृढ़ संकल्प के साथ के कुछ करना है, ये आगे बढ़ते रहे। और एक दिन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति, जिनको हम अब्राहम लिंकन के नाम से जानते हैं,
बने और दो वर्ष इन्होंने इनके दिमाग में था कि दास प्रथा एक कुरीति वहाँ अमेरिका में थी, अमेरिका की एक उस कुरीति को मिटाने का इन्होंने बीड़ा उठाया। ये बड़े कूटनीतिक भी थे, दो वर्ष ये चुप रहे लेकिन दो वर्ष बाद इन्होंने ये बीड़ा उठाया। तो क्या हम इन्हें असफल कह सकते हैं? इतनी असफलताओं से होते हुए ये सफल हुए, तो ये हम इनको सफल व्यक्ति कहेंगे। इसी तरह एक छोटी सी कहानी मुझे एक 4 साल के बच्चे की याद आती है कि जब 4 वर्ष का एक बच्चा अमेरिका का, तो जब स्कूल से घर लौट कर आया तो उसकी जेब में एक पर्ची डली हुई थी, एक नोट था, एक लेटर था, और उसमें लिखा था कि आपका टॉमी इतना मंदबुद्धि है कि ये इस स्कूल के लायक नहीं है, इसको हम पढ़ा नहीं सकते हैं, हमने इसका नाम काट दिया है, आप इसको किसी दूसरे स्कूल में इसका दाखिला करा दीजिए। जब माँ ने वो लेटर पढ़ा तो माँ ने बड़ा धैर्य से काम लिया और उसको बच्चे को बताया कि ये स्कूल आपके लायक नहीं है, और उन्होंने ये चिट्ठी में ये लिखा कि इसको किसी और अच्छे स्कूल में कराओ, ये बहुत ही बुद्धिमान विद्यार्थी बनेगा। तो उसकी माँ ने उसको पढ़ाना शुरू किया और वो सेल्फ स्टडी करते रहे। एक दिन वो जैसे ही वो उसने एक के बाद एक असफलताएं झेली, लेकिन एक दिन वो थॉमस एल्वा एडिसन के नाम से, जिसको हम जानते हैं, बिजली का आविष्कार किया। 10,000 बार वो इसमें असफल रहा लेकिन उसने हार नहीं मानी, जुनून से लगे रहे और उसमें सफलता पाई, विश्व को एक रोशनी से जगमगा दिया। ये थे एल्वा एडिसन, और इनकी इतनी कहानी नहीं है, इन्होंने 1,000 से ज़्यादा 1,092 इनके नाम पेटेंट हैं। ये एक के बाद एक आविष्कार करते रहे, लेकिन एक बार सन 1914 की बात है कि इनकी फैक्ट्री में आग लग गई, और फैक्ट्री में आग लगने के बाद सारी फैक्ट्री धूं धूं करके जल गई। उस समय इनकी उम्र 67 वर्ष थी, बुजुर्ग हो चुके थे, और सारी फैक्ट्री जल कर राख हो गई। लेकिन इन्होंने वहाँ जैसे लोग खड़े हुए थे, बीमा भी पूरा नहीं था, तो लोगों ने सोचा अब ये बुजुर्ग क्या करेगा, क्या कहेगा। लेकिन उन्होंने कहा, मेरी सारी गलतियों के जलकर राख हो गई है और भगवान ने मुझे और काम करने का एक मौका दिया है, और तो मैं कल से अपना नया काम शुरू करूँगा। ये विचार सुन करके सब लोग हैरान रह गए कि कमाल का नज़रिया है, कमाल का पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या हम असफल कहेंगे? और इतना ही नहीं, 3 सप्ताह के बाद इन्होंने ग्रामोफोन का आविष्कार करने में ये सफल रहे। तो ये लोग इनको असफल कैसे कह सकते हैं? तो इसी तरह एक अमेरिकन लड़की की कहानी है जो भी दिल को छू जाती है, विल्मा रुडोल्फ। जब प्रीमेच्योर उनका बर्थ हुआ, समय से पहले बर्थ हो गया, तो वो जन्म से ही उनको निमोनिया, ये छोटी मोटी बीमारियां, और यहाँ तक कि उनको पोलिया तक हो गया, और बायां पैर उनका कुछ कमज़ोर रहा, पतला पड़ गया। तो एक दिन उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मैं कुछ ऐसा काम करना चाहती हूँ कि विश्व में मेरा भी कुछ नाम हो। तो मम्मी ने उनका हौसला बढ़ाया और कहा, बेटी भगवान ने जो आपको क्षमता दी है और जो आप में एनर्जी है और जो आप में स्ट्रगल करने की शक्ति है, उससे आप कुछ भी कर सकते हो। तो उसने कहा, माँ मैं रेस करके और पूरे विश्व में मैं
इतना दौड़ूं कि मेरा विश्व में नाम हो, मैं एक धाविका बनना चाहती हूं। तो माँ का जवाब थे, बेटी शुरू करो, आप कामयाब होगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और उसने दौड़ना शुरू कर दिया, विमा रुडुल्फ दौड़ती रही, और जैसे वो दौड़ी लोगों ने मजाक किया, क्योंकि डॉक्टरों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये चल फिर भी नहीं सकती है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं आ रही और वो दौड़ती रही। पहली दौड़ हुई सबसे पीछे आई, दूसरी दौड़ पीछे रही, तीसरी दौड़ पीछे रही, लेकिन हार नहीं मानी। और एक दिन सन 1960 ओलंपिक, रोम ओलंपिक जब हुए और इनका सिलेक्शन हुआ, तो लोगों ने कुछ उम्मीद इतनी ज़्यादा नहीं थी जो इन्होंने कर दिखाया। 100 मीटर रेस हुई, इन्होंने गोल्ड जीता, 200 मीटर गोल्ड जीता, इतना ही नहीं 400 मीटर रेस में भी इन्होंने गोल्ड जीता और विश्व को चकित कर दिया। तो ये इनकी जो दृढ़ संकल्प, इनका जुनून, ऐसे लोगों को इनसे हमें सीखने को मिलता है। जीवन एक परीक्षा है, संघर्ष है, परंतु ये अवसरों से भरा होता है, और जब अवसर बार बार नहीं आते और जब अवसर निकल जाते हैं तो हम उनके पीछे दौड़ना शुरू करते हैं। CGL हुआ, कोई बैंक का टेस्ट हुआ, या IAS का, या कोई और परीक्षा, इसमें एक दो बार फेल क्या हुए, तो हम सोचते हैं कि ये हम पास नहीं कर सकते, हम हमारे लायक नहीं है और हम इसमें सफल नहीं हो सकते। लेकिन वहीं हम हिम्मत हार जाते हैं तो इसको फेल कहते हैं। जबकि कई बार क्या होता है कि हमार एक कदम पीछे सफलता के पीछे होते हैं, लेकिन हम रास्ते से हम अपना छोड़ देते हैं तो हम असफल होते हैं। कुछ लोग हर बार उन गलतियों से सीख सीख करके आगे बढ़ते हैं। हमारी अंदरूनी शख्सियत या विल पावर, पॉजिटिव एटीट्यूड ही इंसान को ऊपर उठाता है। 85% पॉजिटिव एटीट्यूड और 15% ही नॉलेज काम आता है। हर ठोकर लगने या सफलता के बाद खुद से पूछे कि इस तजुर्बे से मैंने क्या सीखा, तभी हम रास्ते के रोड़ों को कामयाबी की सीढ़ी बना पाएंगे। सफलता की सारी कहानियों के साथ महान असफलताओं का की कहानियां जुड़ी हुई हैं। फर्क केवल इतना है कि हर असफलता के बाद फिर से कितने जोश के साथ हम खड़े हुए हैं। हम असफलताओं से तब हार मान लेते हैं जब अगर हम एक स्टेप और ले लें तो हम सफल हो सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब रेस होती है तो उसमें जो फर्स्ट और सेकंड आते हैं, फर्स्ट और सेकंड में काफ़ी अंतर नहीं होता, लेकिन जब प्राइज मिलता है तो 10 गुना ज़्यादा फर्क होता है। तो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का उदाहरण हमारे सामने है। उन्होंने मछलियाँ समुद्र के किनारे बेची और साथ में एक अम्ब्रेला भी दे देते थे कि उसको भी बेच देते थे कि आपको ये भिगने से बचाएगा, अखबार तक बेचे। और एक दिन ऐसी मिसाल उन्होंने की कि राष्ट्रपति तो बने, मिसाल मैन भी बने। और इसी तरह दुनिया का जो सबसे अमीर आदमी जेफ बेसोज अमेजन, उन्होंने कहा था, यदि आप बहुत बड़ी सफलता चाहते हो तो फेल होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि फेल होने पर कमी दूर करने का अवसर मिलेगा। और APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि जो चीज आपको, कोई भी चीज आपको आसानी से नहीं मिल सकती, अगर जो चीज आसानी से मिलती है वो ज्यादा देर तक नहीं टिकती। तो हमें इस सब लोगों से, महान पुरुषों से क्या शिक्षा मिलती है कि अगर इंसान में उसका निश्चित गोल हो,
दृढ़ डिजायर इच्छा हो और स्ट्रगल संघर्षशील हो, पॉजिटिव एटीट्यूड हो, तो हम सभी असफलताओं से पार करते हुए एक दुनिया में सफल हो सकते हैं। तो आज का यही था, असफलता से सफलता की ओर हम कैसे जा सकते हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं सोचता हूँ कि आप लोग इससे मोटिवेट होंगे और आज से ही कुछ विशेष करने का बीड़ा उठाएंगे। जय हिंद।